गुरुग्राम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां हम दिखाते हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। हम गुरुग्राम के पालमयार इलाके में जो धर्म कॉलोनी है उसके एच ब्लॉक में हैं, और यहाँ पर एक संकट ये आया है कि यहाँ पर जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको कोई अनजान कातिल जहर देकर मार रहा है। पिछले 10 दिनों में लगभग 2.5 दर्जन से ज़्यादा जो डॉग्स हैं उनकी मौत हो चुकी है, और उसकी वजह क्या है कि कोई अननोन व्यक्ति है, अननोन है जो यहाँ पर आता है और इन डॉग्स को कुछ ना कुछ ऐसा जहरीला पदार्थ खिलाकर चला जाता है, जिसकी वजह से एक दो दिनों में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। सिविल डिफेंस के कुछ लोग हैं और जो इस कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं जो इन डॉग्स को फीड करते हैं, उन्होंने जब ये चीज़ देखी तो उन्होंने पुलिस में इसकी शिकायत की। अब गुरुग्राम के पालम विहार थाने में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बड़ी बात यह है कि अभी तक जो अज्ञात कातिल है उसको उसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन ऐसा कौन है जो इन बेजुबानों की ज़िंदगी ले रहा है। जो यहाँ के लोग हैं जिन्होंने पुलिस में शिकायत की है वो लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं कि आखिर क्या यहाँ पर हुआ है। सर नमस्कार जी, आपने जो बताया कि यहाँ पर 30-35 जो डॉग्स थे वो अचानक मर गए, क्या वजह थी, कैसे क्या पता चला, आपको बताइए जरा। मैं एच ब्लॉक में रहता हूँ, कुंदन वर्मा नाम है जी। यहाँ पे पिछले दिवाली के 3 दिन बाद से हम देख रहे हैं कि कुत्ते खून की उल्टी कर रहे हैं जी। तो लगभग है ना 34 डॉगी मर गए हैं जी, 5-7 तो हमारी आंखों के सामने ही उन्होंने जान दे दी। उसके बाद हम डॉक्टर जोशन पे भी उसको ले गए, कल एक डॉगी का पोस्टमार्टम हुआ है और वो आज उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, तब पता लगेगा कि क्या एक्चुअल में क्या है। या तो ये किसी चोरों का काम है या ये जो सुअर फीडिंग करते हैं इनका काम है जी। तो अभी तक ये ट्रेस आउट नहीं हो पा रहा कि है क्या एक्चुअल में, जहर कौन दे रहा है जी। टोटल 34 डॉगी एच ब्लॉक से मारे गए हैं चारों पाँचों गलियों से, और अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। कल हमने इसकी FIR भी करा दी है, कल SSI साहब भी आए थे और वो 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक रुके, उन्होंने तहकीकात की, परंतु अभी तक कुछ पता नहीं लगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कह सकते हैं। आपने देखा किसी को कि गली में कौन अननोन व्यक्ति आ रहा है जो इन डॉग्स को कुछ खिला के चला जाता है? हाँ भैया, मैंने परसों नरसों देखा, उसने यहाँ से भैया से दूध की थैली ली और यहाँ एक बाउल में उसने दूध खोला, उसने ये नहीं पता मेरे को कि उसने दूध में क्या मिलाया, वो उसको पिलाया डॉगी को। मैंने उससे बोला भैया ऐसे क्यों कर रहे हैं, कह रहा कि रोज सभी पिलाते हैं, मैंने भी पिला दिया। अच्छा, हाँ भाई, उसका चेहरा मेरे को मालूम नहीं, उसने मास्क लगा रखा था बस। तो क्या वो इसी गली मोहल्ले का रहने वाला है? नहीं, इसी का नहीं, हम जानते हैं, हम लगभग उस गली से और उस गली से हम जानते हैं, हमारे पहचान में नहीं आया वो। तो जिस डॉगी को उसने दूध पिलाया था क्या वो जीवित है अभी? नहीं जीवित, वो तो खत्म हो गया, मर गया वो। हाँ वो मर गया। तो इस तरह की कुछ लोग हैं जो हरकतें कर रहे हैं, सिविल डिफेंस के भी कुछ लोग हैं जिन्होंने जिन डॉग्स ने वो जहरीला पदार्थ खाया उनको वो अस्पताल लेकर गए, वो भी हैं। सर आपका नाम क्या है और कैसे पता चला? सर मेरा डोमिनिक नाम है, मैं एच ब्लॉक में ही रहता हूँ और मैं सिविल डिफेंस में हूँ और मैं एक योगा टीचर भी हूँ। एक्चुअली जब पहली बार हुआ था तो ये दिन का टाइम था और मैंने एक डॉग छोड़ा था, स्ट्रीट डॉग था, मैं घर में भी रखता हूँ उसको, उसके बच्चे हुए थे। तो वो जब 15 मिनट बाद जब घर में आया तो उसको बहुत बुखार हो गया, बहुत तेज़। तो मैं डॉक्टर साहब को फ़ोन किया कि ऐसे बुखार चढ़ गया है, तो मैंने कहा चलो उसको क्रोसिन पिला के देख लो, बुखार उतर जाएगा, मगर उसको झाग आना चालू हो गया। तो उनको लगा शायद इसको रेबीज़ हो गया। तो मैंने कहा सर नहीं, वो तो घर में ही रहता है, ऐसा नहीं, चांस नहीं है। तो पूरी रात वो भौंकता रहा, खुजाता रहा, बहुत बुरी उसकी हालत हो गई। नेक्स्ट दिन मैं उसको मॉर्निंग में हॉस्पिटल लेके गया तो वो उसकी आखिरी सांस चल रही थी, तो उन्होंने मुझे आइडेंटिफाई किया, इसको जहर ही दिया हुआ है, क्योंकि रेबीज में कुत्ता काटता है थोड़ा पागल टाइप हो जाता है। तो पागल टाइप तो वो नहीं हुआ था, हम तो उसे नॉर्मल उठा के ले गए थे। तो हमने कहा चलो ठीक है, रेबीज़ भी हो सकता है, सब वर्किंग है, तो चांस इतना टाइम था नहीं, तो हमने उसको फिर गाड़ दिया उसको। नेक्स्ट दिन मैं जॉब पर था, करीब 8 बजे की बात होगी रात को, तो मेरे ब्रदर का फ़ोन आया कि ऐसे ही 2 कुत्ते के मुँह से खून निकल रहा है। तो मैं डॉक्टर साहब को फ़ोन किया जॉब से, तो उन्होंने मुझे कहा कि सर मैं आपको बोल रहा था कि कोई ना कोई जहर दे रहा है। तो मैंने कहा जी ठीक है, अभी मैं क्या करूँ, बोल रहा है आप जाइए उनको कुछ डॉक्टर के पास लेके जाइए और कोई अवेलेबल हो। तो मैं काफ़ी ट्राई किया, कोई मिला नहीं। तो उतनी देर में जो 2 थे वो 5-6 और पीछे से आ गए डॉग्स, और उनके मुँह से बहुत ही ज़्यादा खून निकल रहा था और वो कुछ पागल टाइप से हो गए थे, खुजा खुजा के। तो बस मैं अकेला ही था, जितना हो सकता था मैंने किया अकेले ही, मगर उसके वो 5-6 उस दिन मर गए, लगभग 10 मरे होंगे, मैंने 5-7 देखे थे उस दिन। मैं दवाई उन्हें क्या डॉक्टर से आपने पता किया कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसी बीमारी आ गई हो जो जिसकी वजह से इन कुत्तों पर असर हो रहा है? नहीं, ये रेबीज़ नहीं है, क्योंकि उसमें डॉक्टर साहब आइडेंटिफाई किया था कि रेबीज़ नहीं है, पॉइजन ही है, क्योंकि उनसे झाग निकल रहा है। रेबीज़ में कुछ डॉग बाइट करेगा उसमें, तो डॉग बाइट वो कुछ नहीं कर रहे थे वो,
और पीछे गली में एक और भी लोग हैं, कोई सर हैं, उन्होंने मुझे बताया कि उनके भी डॉग के साथ ऐसे हुआ था। उन्होंने किसी और डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि रेबीज नहीं है, पॉइजन ही दिया हुआ है, मगर किस टाइप का पॉइजन समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ब्रेन जो है हेमरेज हो जाता है, मतलब नर्वस सिस्टम अगर ब्रेक हो जाता है, आप चीख रहे तो चीखते रहते हैं, बोल रहे मतलब भोंक रहे तो भोंकते रहते हो, खुजा रहे हो तो खुजाते रहते हो, मतलब इस टाइप की चीज़ होती है उसमें। तो मैं कल भी एक डॉग को लेके गया था, क्योंकि वो वहाँ पर 10-15 डॉग जो थे वो सारे मर गए, और हमने गार्ड भी दिए कुछ, तो हम लोग की नज़र रहती है कि भाई कोई और जहर तो नहीं दे रहा है। तो करीब 11 बजे के टाइम में घर पहुंचा जॉब से, तो एक दो बच्चे आगे मुझे बोले कि भैया आप जहर किसी को दे दिए, उनको पता सिविल डिफेंस में हूँ, तो मैं उनको लेके मैं जैसे निकला तो उस कुत्ते की हालत बड़ी ख़राब थी, उसके मुंह से खून निकल रहा था, तो मैं जैसे तैसे करके अकेले ही उसे ऑटो पकड़ के ले गया, वो काट भी रहा था, मैं ले गया उसको, मतलब वैसे नहीं काट रहा सेल्फ डिफेंस, मतलब डिफेंस में काट रहा था। जब तो मैं पहुंचा 3 घंटे गुजर चुके थे, वो मर गया, फिर मैंने FIR भी कराई, जिनका कुत्ता पहले ही मरा था, मेरा भी घर का मरा था, तो बट उनके नाम पर लिखी गई वो नरेंद्र जिनका नाम था, तो फिर ऐसे रहा, पर वो बचा नहीं। फिर शाम को पुलिस भी आई, और एक जो कल मरा था वो उसको पोस्टमार्टम के लिए शायद वो ले गए नहीं ले गए, पता हमें कंफर्म नहीं है, अभी कंफर्म नहीं है कि उसको, बस बोला था आज सेक्टर 23 में रखेंगे, जोशना एक क्लिनिक है वहाँ पर आपका पालम याद 23 सेक्टर में, बोल रहे थे वहाँ से उसको 10 बजे ले जाएंगे, तो अभी मुझे पता नहीं क्या हुआ है, हमें भी खुद नहीं पता अभी क्या हुआ है, मगर उसको बोल रहा है पोस्टमार्टम होगा सर, मगर जो भी कर रहा है गलत कर रहा है सर, क्योंकि अभी मोर देन 30 डॉग्स मर गए हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा है कौन दे रहा है, हम ऐसा किसी का नाम ले सकते नहीं हम, मगर हमारे शक में जो दायरे में हमें लगता है वो जो सूअर वाले होते हैं ये अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि एक पर्सनली तो आदमी 35-30 डॉग्स कोई मारेगा नहीं ऐसे, तो इससे भी ज़्यादा मरोगे, मैं तो नॉर्मल हमारी काउंटिंग बता रहा हूँ मैं, तो ये बहुत बुरा ही काम हो रहा है इसमें, और समझ नहीं आ रहा कौन कर रहा है ये। तो लगभग पिछले 10 दिनों में तकरीबन 35 जो डॉग्स हैं उनकी मौत हो चुकी है, कौन है जो इन बेजुबान जानवरों की ज़िंदगी ले रहा है? गुरुग्राम पुलिस ने FIR ज़रूर दर्ज कर ली है, कुछ डॉग्स के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भी भिजवाया गया ताकि ये आइडेंटिफाई किया जा सके कि आखिरकार ऐसा कौन सा जहरीला पदार्थ इन कुत्तों को दिया गया जिनकी वजह से पिछले 10 दिनों में ही 35 से ज़्यादा कुत्तों की मौत यहाँ गुरुग्राम में हो गई है। कहा जाता है अक्सर कि जो कुत्ता है वो सबसे वफादार जानवर होता है और मिसाल दी जाती है उसकी वफादारी की इंसानों को लेकर भी, लेकिन ऐसा कौन बेरहम आ गया है जो इन मासूमों का कत्ल कर रहा है ये अब पुलिस को खंगालना है। आपसे हमारी अपील है कि आप इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और आप लोग भी सतर्क रहिएगा, अगर आपकी गली मोहल्ले में आपके आसपास या आपके घर में भी अगर डॉग्स आप रखते हैं पेट्स रखते हैं तो उनकी देखभाल आप ठीक तरीके से कीजिएगा, क्योंकि ये जो सनकी टाइप का कोई भी व्यक्ति है वो हो सकता है कि अगला टारगेट आपके गली मोहल्ले को बनाए, क्योंकि धर्म कॉलोनी में भी ना केवल जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको जहर दिया गया है बल्कि घर में जो पालतू डॉग्स हैं उनको भी, घर में घुसकर भी लोगों ने कुछ जो व्यक्ति है जो अननोन कातिल है उसने जहर देने की कोशिश की है और कई लोगों के जो पालतू डॉग्स हैं उनकी भी मृत्यु हुई है। आपसे हमारी अपील है कि आप इस खबर को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुँच पाए। नमस्कार।